अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 11:15 और मैं जाती हूँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेमन। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मेमन के लिए निकलूँगी। मेमन छोड़ने अरसल जाते हैं मुझे, तो उनका वेट कर रही हूँ। वो आएँगे तो फिर वो मुझे मेमन छोड़ेंगे, फिर वापसी में हो सकता है हम मार्केट जाएं। मैं जाऊं मार्केट। तो हो सकता है वहाँ पे ब्लॉग रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, तो आने के बाद घर पर जरूरी ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। ब्लॉग रिकॉर्ड करेंगे और बस तैयार। अब आया पहन के बैठी हूँ, जैसे वो कॉल करेंगे तो मैं फटाफट जाके नकाब लगाऊँगी या स्कार्फ वेयर करूँगी बैठ लूँगी। और बस ही फिर मार्केट जाना है, कपड़े लेने हैं और बस फिर आके मैं जो करूँगी फिर आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। वहाँ जाकर मेमन जाके नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अनकंफर्टेबल होती हैं। तो मैं वहाँ जाकर ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हमारी वजह से साथ से कोई अनकंफर्टेबल हो, इस वजह से मैं वहाँ जाके ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं करूँगी आने के बाद, या तो अगर मौका लगा तो मार्केट में। इसलिए बस यही था। चले मैं पूरी तरह रेडी हो जाती हूँ, कहीं ऐसा हो मैं ब्लॉग बनाती रह जाऊँ और ऐसा लाए और चले जाए। तो मैं जाती हूँ, रेडी होकर आती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी तक अरसल आई नहीं है। जैसे आएंगे वो तो फिर हम निकलते हैं। देखिए कितनी देर लगाते हैं, बहुत देर लगाते हैं, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है उनको, उनका ना तैयार होने के बाद। फिर बहुत बुरा लगता है मुझे, मैं रेडी हो जाऊँ और फिर मुझे इंतज़ार करना पड़े ना। लेकिन कितनी देर में आते हैं, घर के काम भी सारे ऐसे ही पड़े हैं। जिस दिन मैं मेमन जाती हूँ उस दिन सारा घर का काम मम्मा करती हैं, मैं वहाँ से इतना थक के आती हूँ तो मैं नहीं करती, मम्मा करती हैं सारे काम। अभी फ़िलहाल तो मम्मा कपड़े सी रही हैं अनाबिया फातिमा के, उनके कपड़े सी रही हैं। फिर शायद वलिया का सीते बैठे हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे को पहनेंगी वो लोग। और मैंने अपनी शर्ट जो सूट जो है आकर सीऊँगी। मैं अभी कल जाऊँगी अम्मी के घर, तो वो सूट पहन के जाऊंगी, तो इस वजह से मैं आके फिर अपना सीऊंगी। बहुत देर लगाते हैं चलो ऐसे, बहुत 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 बहुत। अरसल आ गए हैं और मैं जा रही हूँ नीचे, सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके, क्योंकि मम्मा सामने घर में बैठी हुई हैं। तो मैं सब बंद करके जा रही हूँ और बाकी सब हमारे घर में सो रहे हैं। ना आए हैं, अरसल को कोई काम था तो इसलिए हम जीना आए हैं। और अरसल अभी कैश काउंटर के लिए गए हैं अंदर, और मैं यहाँ बाहर खड़े होकर वेट कर रही हूँ। ये हम ओपीटी के डिपार्ट की तरफ आए हैं, दोबारा अरसल अंदर गए हैं और मैं यहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रही हूँ। अरसल ने कहा तुम यहाँ पे खड़े होकर नज़ारे करो, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, क्योंकि जना ये हम बैठ गए अपनी फरारी पे और अब जा रहे हैं घर की तरफ। अभी मैं आई हूँ मार्केट से और ये सारे मैं कपड़े लाई हूँ, और बलिया सोने की तैयारी कर रही थी और मेरे शॉपिंग देख के फ़ौरन उठ गई। ये मेरा टू पीस है, एक ये मैं टू पीस लाई हूँ, सेम लिया है मैंने सेम टू पीस, और इसके साथ ये दुपट्टा लाया सही है। और ये शर्ट पीस लाई हूँ, उसके साथ ये भी टू पीस है, इसके साथ ये शलवार है, और इसके साथ है ये ब्लैक चिकनकारी का दुपट्टा। ओह सॉरी, मेरी ब्लैक शलवार है,
ये मेरी ब्लैक सलवार, ब्लैक दुपट्टा और ये शर्ट पीस। शर्ट पीस बता रही हूँ, सबर करो। ये शर्ट पीस देखें कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये शलवार बाजी की है वाइट, और ये बलिया का भी सेम एज इट सेम लाई हूँ अपने जैसा। हम दोनों सेम पहने, कल भी हमारा तकरीबन सेम ही है, तकरीबन कलर सेम है, थोड़ा कंट्रास्ट थोड़ा डिफरेंट कर दिया मैंने। और ये भी मेरा है, ब्लू नहीं है, सी ग्रीन कलर है ये। मैं हमने पीको भी मैंने हाथ के हाथ करवा ली, ये लाई हूँ। ये दुपट्टा है, इसके साथ का दुपट्टा ना, ये इसके साथ का दुपट्टा, ये शर्ट और ये शलवार। और क्या लाई हूँ, बस ये लाई हूँ, तीन अपने लाई हूँ और एक वलिया का लाई, एक मम्मा का लाई, ये मम्मा का लाई। ये कैटलॉग है लाइम लाइट वालों का, लाइम लाइट है, तारिक रोड से ना, लाइम लाइट ना गई थी, लाइम लाइट से ली। और वहाँ पे जो मिला था नहीं, क्यों? वो भाई सदर में बनता है, सदर में। ये मम्मा का लाई हूँ मैं, मुझे ना इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत लगा और कलर भी बहुत प्यारा है। मम्मा ने ये कलर पहना भी नहीं है, ये मैं मम्मा को गिफ्ट कर रही हूँ। खोल तो रही हो? हाँ, कौन करेगा? कर लूंगी मैं, मम्मा वैसे भी देखेंगी ना, मुझे इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा। खोलना दुपट्टा वाली, इसका पूरा फुल कट पर दुपट्टा है और देखो कितना प्यारा हसीन दुपट्टा लग रहा है, लग रहा है ना दुपट्टा। ये लॉन पे बना हुआ है, लाइमलाइट वालों की तो होती है लॉन पे, और इसके साथ सारी लाइमलाइट की कुर्तियां भी अच्छी होती है। तुम्हारी जो लाई है वो वाली वो लाइमलाइट की। तो ये सारी शॉपिंग थी, अब मैं अब चलें जल्दी से अपना बाय उतारती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब बजे सो रही है क्योंकि वो मार्केट से थक के आई है, जब वो उठेगी तो फिर दिखाऊंगी। अब मम्मा को दिखाती हूँ मम्मा क्या कर रही है। क्या किसके कपड़े सी रहा हूँ मम्मा? आत्मा के। अच्छा, सिल गया? सिल। तो क्या कर रही हो? अनु पढ़ाई कर रही हो? अनु ये क्या है? अनु अनु ये क्या है? बनाना बटरफ्लाई, अनु की बटरफ्लाई है ये। अनु ये क्या मोबाइल लेने के लिए आ रही है? ये लड़की मोबाइल मोबाइल चाहिए, मोबाइल मोबाइल चाहिए, मोबाइल इनको मोबाइल। कोई काम, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। अनु अनु बहु अनु के कान चिदाए मैम ने। अनु 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 बहु अनु का कर लियो ऊपर अनु पप्पी कर दो इनको, फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस। हाय करो, हाय दो, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, वफ़ गंदी है, अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, हाँ वफ़ गंदी है, हाँ मेरा वफ़ गंदी है। अब्दुल वहाब
मैं छू ना पप्पी दे दो इस बात पे पप्पी दो। अर्शल भाई अच्छे है वफा अच्छी है अर्शल भाई अच्छे मम्मा अच्छी है अर्शल भाई अच्छे अर्शल भाई बाबा अच्छे अर्शल भाई अच्छे अर्शल भाई अर्शल भाई दाई अच्छी है अर्शल भाई अच्छे अर्शल भाई आदि अर्शल भाई अच्छे मम्मा इसको कोई अच्छा नहीं लगता सिर्फ अर्शल भाई अच्छे लगते हैं काका अच्छे अर्शल भाई अच्छे अर्शल भाई काका भी अच्छे नहीं लगता मम्मा इसको अर्शल भी काका भी अच्छे अर्शल भाई भी और काका भी अच्छे लगते हैं मैं अच्छी नहीं लगती लगती हूँ मैं अनु अच्छी अर्शल भाई अच्छे अर्शल भाई और काका बस ऐसे मारे हम इतनी जोर का थप्पड़ जोर का थप्पड़ मारा है अनु तुमने मारा है अनु ऐसे 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 अप्पू देखेगी ये व्लॉग तो फिर बोलेगी कि अब्दुल वहां मेरी शहजादी पे हाथ उठा रहा है नहीं फिर कौन मार रहा है अनु को कौन मार रहा है तो 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 I love you बोल दो I love you I love you I love you too love you too all guys I love you I say love you बोलो हम अभी जा रहे हैं सोने सोने अभी बज रहे हैं चार चार सोकर उठ के आएंगे ओके आएंगे आप सोने जा रहे हो नहीं डुडू पियोगे फिर पीने जा रहे हो ता बाय टाटा फिर पी रहे हैं बाबा वाह दुला फीटर गंदा है नहीं पी रहे बाबा बोलो रोजे लेके दो नहीं लेके आ रहे हैं लेके आ रहे हैं आप रोते भी हो आप रोते भी हो मैं थोड़ी देर सो गई थी अभी उठी हूँ और उठ के मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है असर की और अब मैं सालन बनाऊँगी और आज मैं बनाने वाली हूँ टिक्का कोयला कढ़ाई तो आज के व्लॉग में मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो फिर चलते हैं बनाते हैं ये मैं यहाँ पर अदरक लहसुन कूट रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश अच्छा लगता है खाने में के अंदर अब एक लेमन डाल रही हूँ आधा लेमन डाला है मैंने लेमन का जूस डाला है हाफ लेमन का जूस थोड़ा सा ना खट्टा खट्टापन लगे बोल के अब मैं इसके अंदर 3 टू 4 टेबल स्पून दही डाल ली हूँ लेकिन दही को मैंने पहले थोड़ा सा फेंट लिया है अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टिक्का मसाले का शान टिक्का मसाले का पूरा पैकेट आधा किलो वाला पैकेट मंगाया था वो पूरा डाला है अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है मैंने 1 टीस्पून बुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी
अच्छा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाला था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने धनिया, भुना हुआ धनिया पाउडर डाला था, 1 टीस्पून डाला था धनिया पाउडर भी। इसको मैंने फिर अच्छी तरीके से मिक्स करके आधे पौन घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल चेक कर रही हूँ कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं डालूँगी, मैंने 3 बड़ी वाली प्याज ली हैं, अनियन ली है लेकिन बारीक 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 चॉप कर ली है अंडे वाली, और बस जो जो बना करती जा रही हूँ वो आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ साथ 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 साथ। आज तो वलिया भी नहीं थी, ख़ुद से सारा व्लॉग रिकॉर्ड किया। अब इस कंडीशन में आ जाएगी, लाइट ब्राउन होने की सूरत हाल में आ जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर फिर मैं अदरक का पेस्ट डाल लूँ। इस अदरक के पेस्ट था, अदरक का पेस्ट अलग बनाया था मैंने, और अदरक लहसुन का पेस्ट अलग बनाया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फिर से धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाला ही है मैंने, धनिया पाउडर डाल लिया 1 टीस्पून, दोनों चीज़ें मैंने 1 टी स्पून लिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर 1 टी स्पून। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चाट मसाला, वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, वो भी 1 टेबल स्पून। अब मैंने इसके अंदर 5 टेबल स्पून दही के ऐड किए हैं, फटा हुआ दही था 5 टेबल स्पून। यहाँ वलिया सो रही है और मुझे सब कुछ खुद बनाना पड़ रहा है व्लॉग। अब मैंने अलग पैन में ऑयल ले लिया है और उसके अंदर चिकन को फ्राई कर लूँगी। सारी चिकन एक साथ डाल रही हूँ क्योंकि पैन में आराम से मेरी एडजस्ट हो रही थी, तो मैंने सारी ले ली। अगर आप लोगों के पैन में एडजस्ट नहीं होती है तो आप लोग कोई बड़ा बर्तन ले लें, कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने ना थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं समझी टमाटर की प्यूरी का पेस्ट डालते हुए व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, पर हुआ नहीं। मैंने टमाटो पेस्ट डाला है 1 कप और थोड़ी सी हल्दी डाली थी इसके अंदर, मैंने 1/2 टीस्पून समझे हल्दी डाली है। यहाँ मैं अब चिकन को पलट लूँगी। मेरी यहाँ पे 50% चिकन जो थी ना वो गल चुकी थी। यहाँ मैं सारा जो मेरा चिकन मैंने फ्राई की थी वो सब मैंने सालन के अंदर डाल दिए, जो हमने प्यूरी बनाई थी प्यूरी के अंदर डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। उठो बलिया, उठ जाओ ना, उठ जा, उठो ये खड़ी जल्दी दे, मगरी पे टाइम नहीं लेटते, ये मगरी पे टाइम नहीं लेटते, मगरिब के टाइम नहीं लेटते। हाँ, मैं कोयले का धुआं देते हुए व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई इस वजह से, जब मैं हटा रही थी कोयले को तो मैंने तब रिकॉर्ड कर लिया व्लॉग। मैंने रोटी के टुकड़े पे रखा था क्योंकि मेरे पास बाउल नहीं था इस वजह से। यह हमारा सालन रेडी हो चुका है, हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। मैं इसके अंदर मोटी हरी मिर्चें, 2 बारीक हरी मिर्चें
और हरा धनिया डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं, हमारे मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती इसलिए नहीं डाल रही हूँ मैं। ये हमारा सैलेड रेडी हो गया है और इतना यम्मी लग रहा है और मुझे तो बहुत पसंद आया था। अरसल आए थे तो अरसल को भी खिलाया मैंने। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी रेसिपी और मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे लेटेस्ट व्लॉग आपको मिल सकें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्चर शेयर कीजिए, मैं अपनी स्टोरी पर लगाऊँगी। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।